तो अभी मैं हूँ एक पेट्रोल पंप के सामने। मैंने जस्ट अपनी बाइक में अभी पूरा का पूरा फ्यूल भरवाया है, क्योंकि 50 दिन से गाड़ी घर में ही खड़ी थी और अभी एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। बट यार, इंट्रो देना तो मैं भूल ही गया। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम है ऋषभ और आज की इस वीडियो में हम लॉकडाउन के अंदर थोड़ा बाहर जाने वाले हैं। सो वापस चलते हैं वही जगह पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। पता नहीं ये ब्लॉग है या क्या है, जो भी बनने वाला है मैं बनाऊंगा ऐसे ही। तो आज एक जरूरी काम से मेरे को बाहर आना पड़ा। चल झूठा। और अपनी ये वाली जो बाइक है आप सबने देखी होगी मेरे पुराने वाले वीडियोस में, तो काफी दिन से घर में खड़ी थी तो इसको निकाला। इसमें पहले पूरा का पूरा फ्यूल डलवाया, करीब 13 लीटर फ्यूल आया। बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है ये गाड़ी और 50 दिन के बाद निकाल के काफी अच्छा लग रहा है। बंदे बोलते हैं कि भाई तूने ये वाली गाड़ी क्यों ली, तो मैं लेना चाहता था यार, कहा था कि निंजा S2R। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए जी। 70 लाख? बट 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। इस वजह से मैंने कहा था कि निंजा S2R नहीं ली। सैनिटाइजर मेरे पास है और प्रिकॉशंस मैंने सारे रखे हैं। हाथ वगैरह मैंने किसी को लगाया नहीं है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। मैंने इसके मिरर हटा दिए जो कि मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं। हाँ तो बट विदाउट मिरर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार इसको चलाने में। तो मैं हो सकता है दूसरे वाले मिरर्स लगाऊं जो होते हैं ना यहाँ पे लगते हैं, वो वाले लगा सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर एक सारी गार्ड आता है, मैंने वो भी हटा दिया। हाँ तो और यहाँ पे एक मड गार्ड इसके नीचे लगता है, मैंने वो भी हटा दिया। हाँ तो आगे रुकाऊ मैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस जगह को भी जानते होंगे। और बालों को यार ज्यादा नोटिस मत करना क्योंकि लॉकडाउन है, कटा पाया नहीं, तो जैसे है वैसे चल जाएंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मौसम देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और काम जो था वो हो चुका। सो एक चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने बाइक यहाँ पे क्यों रोकी वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सीन ये बन रहा था यार कि लॉकडाउन से पहले मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी और सर्विस कराने के बाद उन्होंने चेन को ल्यूब नहीं करा था और वॉश करके छोड़ दिया था। तो मेरे को लगा कि मैं चला जाऊँगा थोड़े दिनों बाद, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया, चेन ल्यूब मेरे पास था नहीं और मैं लेके आ भी नहीं पाया। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर आप विदाउट चेन ल्यूब गाड़ी चलाएंगे तो चेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी। और आप देख सकते हैं कि अभी जो चेन आपको थोड़ी सी ल्यूब लग रही होगी, तो मैंने एक काम किया, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और उस बंदे ने एकदम अच्छा सजेशन दिया कि आप अपनी चेन के ऊपर सरसों का तेल लगा सकते हैं। तो सरसों का तेल एकदम ल्यूब्रिकेट की तरह काम करेगा, बट ये नहीं कि आप सरसों के तेल के ऊपर ही गाड़ी को अपनी चलाने लग जाए 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ वो इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि अभी तो दुकानें खुली नहीं है। तो इमरजेंसी के लिए आप चला सकते हैं, 20-30 किलोमीटर आप चला लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देख सकते हैं ना कितना सारा तो ये निकल के इसके स्टैंड पे आके लग चुका है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, पता लग गई मेरे को और मैंने अपनी बाइक पर लगा लिया, उस वजह से आवाज़ भी आना बंद हो गई चेन में और काफ़ी स्मूथ चल रही है अभी। बट ये नहीं, इसको मैं जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सारी शॉप्स ओपन हो जाएंगी तो एक काम करूंगा, इसको वापस से साफ करके इसको दोबारा से ल्यूब करेंगे और वो भी चेन ल्यूब से ल्यूब करेंगे, इस बार ऑयल नहीं लगाएंगे हम लोग। सो यार मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे क्योंकि कोरोना की वजह से आप मेरा सुंदर चेहरा देख नहीं पाएंगे, मैंने मास्क लगाया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को जो इतना सा वेस्ट ब्लॉग है। मैंने आपका भी टाइम वेस्ट करा, अपना भी टाइम वेस्ट करा, मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैंने आपका ही टाइम वेस्ट करा। और मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई बाइक से रिलेटेड वीडियो तो वो बना लेंगे या फिर कोई ब्लॉग हुआ तो वो बना लेंगे। ख़राब कर दिया ना मेरा ब्लॉग पूरा, अजीब लोग हैं यार।